सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दून राइडर स्मिथ में। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था कि कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल जिनका मोनेटाइजेशन इनेबल है बट उनके वीडियोस में ऐड नहीं दिखाई देते हैं, तो इस इशू को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं अपने मोबाइल पर कर रहा हूँ सेम एज़ आप अपने, अगर आप लैपटॉप पर कर रहे हैं तो आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, फिर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो सेम आपको यही प्रोसेस आपको चेक करना है। तो कोशिश करूँगा कि हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सबके इशू इस तरह से रिजॉल्व हो, बट कुछ हद तक हो सकता है कि ये इशू आपके जो प्रॉब्लम है वो इस ट्रिक से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र पे जाइए, चाहे आपको क्रोम इस्तेमाल कर रहे हो, यूसी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी। तो मैं यूज़ करता हूँ क्रोम, तो मैं क्रोम पर जाता हूँ। देन इसके यूआरएल पे मैं टाइप करता हूँ, पहले मैं जो है इसके यूआरएल पे जाके टाइप करता हूँ www.youtube.com। ध्यान रखिएगा यहाँ पर m.youtube.com कई बार ये रिडायरेक्ट हो जाता है, तो आपको वो नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो आपको दोबारा से www.youtube.com, जैसे कि आप ऊपर देख रहे होंगे, इसी तरीके से आना चाहिए। इसके बाद आप अगर मोबाइल पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक तीन लाइनें दिखाई दे रही होंगी, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। और इसके बाद आपको ऐसे एक ड्रॉप डाउन आएगा जिसमें कि आपको माय चैनल पे जाना है, और इसके बाद आने के बाद आपका जो है चैनल इस तरह से कुछ शो होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप जाइए वीडियो मैनेजर पर, जहाँ से आप अपने सारे वीडियोस को चेक कर सकते हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपके चैनल पे क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा पूरा का पूरा मैनेजर ओपन हो गया है, आप यहाँ पे अपने सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जाऊँगा चैनल पर। तो आप चैनल पर जाने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको आपके चैनल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉपीराइट स्टेटस आपको दिख जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन स्टेटस आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे आपके चैनल पे क्या क्या सर्विसेज इनेबल है वो आपको दिख जाएंगे, जैसे अपलोडिंग अवेलेबल है, मोनेटाइजेशन। ध्यान रखिएगा मोनेटाइजेशन अगर आपने इनेबल नहीं करी तो वो इनेबल करनी होगी, यहाँ पर मोनेटाइजेशन आपका इनेबल दिखा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब चीज़ें जो कि आपको फैसिलिटी आपके टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे जाइए, मोनेटाइजेशन का आपका स्टेटस अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, अगर इनेबल नहीं है तो यहाँ पर जाके आप इनेबल कीजिए। यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा रहा है ग्रीन स्टेटस, ग्रीन दिखा रहा है दैट मीन अकाउंट स्टेटस मोनेटाइजेशन इनेबल्ड। इसके बाद हम जाते हैं अपने वीडियो मैनेजर पर, जहाँ पर कि आप कोई ये अगर आपका इनेबल है और इसके बाद भी अगर आपके ऐड नहीं शो हो रहे हैं तो आपको चेक करना है। आप यहां पर जाइए वीडियो मैनेजर पर जाइए, वीडियोस यहां पर आपको वीडियोस दिखाई देंगी, और यहां पर जाने के बाद आपको जाना है कोई भी वीडियो अगर आप जब अपलोड करते हैं तो आपको एडिट पे जाना है। बेसिकली हम करते क्या है कि हम जब वीडियो बनाते हैं तो हम यूट्यूब एप्लीकेशन, जो कि आपके यहां पर इस वाले यूट्यूब एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल करते होंगे, तो जिस कारण अगर आप ये यूज़ करते हैं नहीं मिलता है। जैसे कि हम एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर आप देखिए अपलोड कर पाएंगे बट मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो पाएगा, करके देखते हैं। जैसे कि कोई भी, जैसे मैं एक वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और फनी क्लिप, आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं, अपलोड करते बट यहाँ पे कहीं पर भी मोनेटाइजेशन नहीं है। तो इसके बाद आप जो ये देखिए, आप हमारा जो वीडियो अपलोड हो गया है देखिए, तो अब हम देखते हैं इस पर मोनेटाइजेशन इनेबल कैसे करेंगे। तो वापस से हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे, तो सेम प्रोसेस जैसे कि हमने वीडियो अपलोड किया तो आपको अपने फिर से ब्राउज़र पे आना है, google.com पे जाएंगे और सेम एज वीडियो मैनेजर पे आके आप जो है इसे देखेंगे। तो देखिए हमने अपना वीडियो भी अपलोड किया था एक,
तो ये यहाँ पे आ गया है। हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे आने के बाद आप यहाँ से इस पर सारी आप कुछ भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन टैग देने होते हैं, या आप इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, हमारे पास ऑप्शन है मोनेटाइजेशन का, तो हम मोनेटाइजेशन को करेंगे। तो देखिए हमारा मोनेटाइजेशन इनेबल है, बट अभी हमने किसी भी क्लिक पे मोनेटाइजेशन अभी इनेबल नहीं किया है, तो हमें मोनेटाइजेशन विद एड्स, तो इस पर हम इसे करेंगे। तो इस बार इसका ब्लू हो जाएगा, और यहाँ पर जाने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो आप नीचे देखिए यहाँ पर योर सेव्स आर बीइंग चेंज्ड, और यहाँ पर जो है जब सेव ये सेटिंग चेंज हो जाएगी तो आपके ऑल चेंजेस सेव्ड, यानी आपके उसमें मोनेटाइजेशन अब इनेबल हो गई है, और आप इस पर उसके बाद आप चाहे तो इसे बंद कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन इस तरीके से इनेबल है या नहीं है। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपके लिए ये ट्रिक जो है यूज, तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और तब तक अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।